जी दोस्तों पहुंच चुके हैं हम बारी में। तरबूज ले जाओ तरबूज। खिला रहा हूँ एक तो अपने हाथों से और झोटा रही वैसी। नरई वालों का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें देखते हो। हेलो दोस्तों, मैं हूं अलका, आशा करती हूं आप सब ठीक होंगे। और अभी अभी हम जा रहे हैं बारी की तरफ, जो कि मम्मी देखो यहां पर इतना ठंडा हो रहा है, जो कि मम्मी सॉल स्वेटर दो चप्पल और यहाँ है तीन ननद काम कराने के लिए। वैसे मकान बनाने के लिए आई है, लेकिन मेरा काम हो रहा खाना बनाना, बनाने की जिम्मेदारी मेरी थी, लेकिन हमारी ननद बना रही है। इतना बड़ा झोला लेके चल रहे हैं, अब क्या क्या लेके आते हैं, क्या क्या लेके आएंगे? लौकिया, कदुआ। सुबह सुबह बारात गई थी ना, अब वो तो मैं दिखाई नहीं पाई क्योंकि मैं सुबह सुबह वीडियो एडिटिंग कर रही थी, इसलिए नहीं दिखा पाई। और मंडप पूरा का पूरा उठ गया है। दिन में देखिए, शुक्र है ऊपर वाले का कि बरसात नहीं हुई, वरना पूरा प्रोग्राम खराब हो जाता। देख रहे हो कितना पानी आ गया है यहाँ पर, ये देखो, वो देखिए मंडप। अच्छा, यहाँ बनाया था? हाँ, ये मंडप बहुत अच्छा बनाया था, बहुत ही सुंदर। अभी रोड का काम चालू, अभी बनी नहीं है रोड, ये देखो। और दादी दादू कैसे हो? अरे बाबा, वो माता रिकॉर्ड वाली तुम। फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं हम बारी में। चलिए देखिए वहां पर पूरा का पूरा देखो। लोग मेरी तरफ ऐसे देखने लगे, पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ अचानक से। लड़कियाँ जा रही है, जब मैंने इतनी तेज से बोला ना तो मेरी तरफ देखने लगी मुड़कर। पहुंच चुके हैं मंडी में, अब मंडी बोले तो पूरी सब्जी मंडी है यहाँ पर, और ताजे ताजे सब्जियां लगी हुई है। और देखो कितना बड़ा है, बाबर। तरबूज ले जाओ तरबूज। अरे अरे आओ ना, 20 रुपए किलो तरबूज है, आप चाहे अच्छा ले जाओ, चाहे छाट छाट कर ले जाओ, चाहे तोड़ कर ले जाओ, ले जाओ 20 रुपया किलो, उधर 30 रुपया किलो बेच लियो। ये तो भारी तरबूज, ये तो भारी। तो भैया जी तरबूज काट रहे हैं, दिया है अंकल जी ने मुझे गिफ्ट, बहुत बढ़िया सा चक्के देखती हूँ। मीठा होगा तो ले जाएंगे, नहीं मीठा होगा तो नहीं ले जाएंगे। ना मीठे लगे तो एक दिन लेके देना मम्मी। अरे बहुत ही स्वादिष्ट, इतना छोटा। तेरे को क्या लेना, बोलना नहीं है? अरे ये तो भारी पालेज, उधर है तो रखे तो हैं वो इतने सारे, वो ये तो है। अरे यहाँ पर हमारे देवर जी भी आए हैं, लो देवर जी गिफ्ट, बड़ा मीठो है। अरे आंटी जी, तो आंटी जी के साथ हम मदद कराने के लिए जा रहे हैं करेले तोड़ने के लिए, बिल्कुल ताजे ताजे फ्रेश फ्रेश। कितने मोटे? इतने मोटे हाँ, मुझे दूर से ही दिख रहे हैं, पता इतनी बड़ी बड़ी लौकी देखो वहाँ पर, देख रहे हो बारी कितनी बड़ी है, बाप रे ये देखो। और अलग अलग बारी है ना, अलग अलग। अच्छा मतलब ये किसी और की है, और जो आंटी ले जा रही है वो कहीं और। बारी में हम पहुंच चुके हैं, आंटी जी की दो बारी पार करके आए हैं, और जस्ट ये बारी के पीछे हमारे हबी के दोस्त का घर है, वो तो जानते ही है, संजू बाबा 420। जब भी बारी पर जाते हैं तो चप्पल खोल के जाया जाता है, क्योंकि वरना चप्पल में पता नहीं क्या क्या लगा होगा। चलो ओ बाप रे, चलो। और सबसे शुरू में आपको दर्शन कराते हैं, ये देखिए कद्दू के दर्शन कराते हैं। चलो तो हम करेले ही तोड़ने के लिए लेके आए थे। हाँ, जिंदगी में पहली बार मतलब बारी पर आई हूँ मैं, पता है क्या सोच रही थी कि ये ऐसे नहीं लगे होंगे, ये लगे होंगे जैसे कि हमने छप्पर बना दिया, या फिर कुछ थोड़ी सी छोटी सी झोपड़ी जैसे बना दी, ऐसे करके पूरे लाइन पर तो लगे होंगे, और ये तो नीचे ही हो रहे हैं भाई। ओ ठीक है ना, अगर आप बनबसा साइड से देख रहे हैं हमारी वीडियो, तो ये है बमनपुरी में, जो कि स्ट्रॉन्ग फार्म के पीछे, तो जंगल में बारी लगी हुई है, आप लेने आ सकते हैं। हमें करेला लेना था तो करेले हमने तोड़ लिए, और देख रहे हैं मैं तो सिर्फ 4-5 करेले एक बार दिए, फिर दूसरी बार 4-5 दिए, और आंटी जी देख रहे हैं पूरा झोला कर दिया। किधर ये देखो कितना बड़ा, एक और
कद्दू है और मैंने तरबूज की लार नहीं देखी है और सभी की लार देखी है। बेल मतलब बोले तो हम हमारे उसमें लार बोलते हैं और आपके उसमें बेल बोलते हैं। ये रही तुरई, ये रहा छोटा सा तरबूज और उसकी वो भी तो दिखा दो, मैं भी तो ये छाप लूं एक बार। ये तो टीप लेती हूँ उसे, ये देखो ऐसे होते हैं इसके पत्ते तरबूज के। देखो यहाँ पर मैंने देखा कद्दू, ठीक अगर आपको लेना हो तो कद्दू हो गया, तरबूज हो गया, लौकी हो गई, करेले हो गए, तुरई और तुरई और तुरई हो गई। यहाँ अभी मैंने दिखाया तो तुरई। ये देख रहा कैसे चिल्ला रहा था ये भाई मेरा, ये इसकी नात नहीं आ रही है, ये दांत दिखाती हुई गिरना मत। जा रहे हैं लौकी, तरबूज और करेले। ये तरबूज किरण तरबूज है और कौन से नामधारी, क्या क्या नाम पूसा। तरबूज के नाम भी बहुत ज्यादा है, तो ये है किरण पाले जो कि सबसे मीठा यही वाला होता है। तो चलो चलते हैं अंकल, और आपकी दुकान खूब फले फूले खूब बढ़िया से, बहुत ज्यादा लोग आए। हमारे जीजा तो यही वैसे ही तितर बितर होते रहते हैं, देख रहे कहाँ कहाँ घूम आते हैं। सभी एक एक चीज लेकर जा रहे हैं, जैसे मैंने लौकी ले ली, अब मम्मी जी को वो देख रहे हैं गुब्बा वाली लौकी, गुब्बारा मटका लौकी वाली। जेठालाल हेलो कर दे। घर पहुंच गए हैं हम और आपको खिलाते हैं तरबूज बिल्कुल ताजे ताजे। अभी पहले धुल के लेके आती हूँ फिर सभी को खिलाती हूँ। ये हम धुल कर ले आए हैं, इसे कहते हैं इंग्लिश में वाटरमेलन। अब हम कर रहे हैं ये पहला चाकू घुस गया और कट गया। आजा समक्ष खाने, ये ले आजा। आज गए ना 6 धूतिया और रास्ता मिल गया 4 चूतिया। कहा था ना उन्होंने ये कौन किरण पहले पहले पाले जाता है तरबूज बोले तो। नानी आने को सबको दिया ना, एक फ्रिज में रख दिया है, लो खिला रहा हूँ एक तो अपने हाथों से। अरे और फैला लो मुंह। आराम से पाले खाइबू। तरबूज हमने खा लिया, बहुत मीठा था, बहुत मीठा बिल्कुल एकदम झूठ, पालेज रहा पालेज पालेज। चलो फिर बातें तो ऐसी होती रहेंगी, अटरम सटरम जैसी बातें। यहाँ पर सभी लोग खा रहे हैं, खाना ही बन रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।